दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में 2005 के समय एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। जापान के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म ने एक ऐसी टाइपिंग मिस्टेक कर दी जिसके कारण मिजुही सिक्योरिटीज कंपनीज को स्टॉक ट्रेड पर कम से कम 27 अरब येन और भारतीय मुद्रा में 180 करोड़ का नुकसान कराया। परेशानी गुरुवार की सुबह शुरू हुई जब मिजुही सिक्योरिटीज के एक व्यापारी ने एक्सीडेंटली जेकॉम कंपनी नामक नौकरी की भर्ती करने वाले फर्म के 6,10,000 शेयर मात्र 1 येन प्रति शेयर में बेच दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 21 अरब के शेयर मात्र 3,67,000 में बेच देना।